Assalamualaikum guys, what's up? This is Hamza. Welcome back to my channel MHB. Subject Introduction to Business, Chapter Number 1, Concept of Business, Topic, Definition of Business, Characteristics of Business. So guys, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल MHB को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को मस्त प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले. लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस. सो गाइस, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि बिजनेस क्या होता है, बिजनेस की क्या डेफिनेशन है, क्या इसका मीनिंग होता है. अकॉर्डिंग टू जिम स्टेफनसन, एवरी ह्यूमन एक्टिविटी विच इज एंगेज इन फॉर द सेक ऑफ अर्निंग प्रॉफिट में बी कॉल्ड बिजनेस. हर वो ह्यूमन एक्टिविटी जिसका मकसद प्रॉफिट अर्न करना हो, पैसे कमाना हो, उसे हम बिजनेस कहते हैं. इन द वर्ड्स ऑफ बी डब्ल्यू व्हीलन, एन इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑपरेटेड टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू द सोसाइटी अंडर द इंसेंटिव ऑफ प्राइवेट गेन इज बिजनेस. कोई भी इंस्टीट्यूशन है, कोई भी इदारा है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, लेट सपोज जैसे कि एक प्राइवेट स्कूल की बात करें तो वो एक इंस्टीट्यूशन है, एक इदारा है जिसको ऑर्गेनाइज किया गया है या उसको चलाया गया है. ये क्या करता है कि गुड्स एंड सर्विसेज को डील करता है सोसाइटी को, तो कोई ना कोई इसकी एक गेन होती है जिसे हम बिजनेस कहते हैं. नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस. गुड्स एंड सर्विसेज, ये इसका फर्स्ट पॉइंट है. इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स स्केल, एवरी बिजनेस डील्स विद स्केल, परचेज, प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर सम कंसिडरेशन. फॉर दिस पर्पज देर आर मैन्युफैक्चरर्स, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, डॉक्टर्स एंड लॉयर्स etc. आर इन वर्किंग. अब गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है, अशिया और खिदमत. अगर कोई ऐसा बिजनेस इस्टेब्लिश किया जाए जिसमें ना गुड्स और ना सर्विसेज हो तो वो बिजनेस नहीं होता. जिसमें जितनी भी अच्छी क्वालिटी हो, गुड्स एंड सर्विसेज डील की जाए, प्रोवाइड की जाए, वो लेकर आता हो और इसे लोगों में सेल करता हो तो वो गुड बिजनेस होगा जो एक अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करता है. लेट्स सपोज जैसा कि आप हॉस्पिटल ले लें, हॉस्पिटल बहुत सारे होंगे लेकिन लोग वहाँ पे जाते हैं जहाँ पे उनको अच्छी सर्विसेज दी जाए, जहाँ पे उनको अच्छी सर्विसेज मिले वहाँ पे लोग हमेशा जाते हैं. लेकिन लोग ये देखते हैं कि सर्विसेज जो है वो कहाँ पे आपको अच्छी मिलती है तो हमेशा लोग वहाँ पे जाएंगे. तो बिजनेस के सक्सेसफुल के लिए गुड एंड सर्विसेज डील करते हैं, क्वालिटी अच्छी हो, सुपीरियर क्वालिटी हो, तो वो बिजनेस जो है सक्सेसफुल होगा. प्रॉफिट मोटिव. अ बिजनेस इज नॉट द चैरिटी, अर्निंग ऑफ प्रॉफिट एंड एक्वायरिंग ऑफ वेल्थ आर द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एवरी बिजनेस. इफ एन enterprise does not have the aim of earning profit, it would not be a business. Moreover, if a business does not earn profit, then I cannot survive for long. Profit motive मतलब क्या, मुनाफा कमाना. किसी business का motive क्या होता है? एक कारोबार सदका नहीं है, मुनाफा कमाना और दौलत का हसूल हर कारोबार के बुनियादी मकासद हैं. अगर किसी इंटरप्राइज के पास मुनाफा कमाने का मकसद नहीं है तो वो कारोबार नहीं होगा. मजीद ये कि अगर कोई कारोबार नफा नहीं कमाता तो फिर वो ज़्यादा दिन कारोबार नहीं चल सकता. अगर कोई भी ऐसा बिजनेस बनाया जाए और हम कहें कि मेरा मोटिव जो है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं है तो वो आपका बिजनेस नहीं कहलाएगा, उसे हम बिजनेस नहीं कहेंगे. एलिमेंट ऑफ रिस्क. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस में एक ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एलिमेंट ऑफ रिस्क. नो डाउट बिजनेस इज स्टार्टेड विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट, बट इट हैज़ टू कोप विद सम अनकंट्रोल्ड फैक्टर्स सच एज चेंज इन डिमांड, टेस्ट, फैशन एंड डिग्री ऑफ कंपटीशन etc. हेंस अ बिजनेस कैन नॉट रन विदाउट सम एलिमेंट्स ऑफ रिस्क. इसमें कोई शक नहीं कि कारोबार मुनाफा कमाने के मकसद से शुरू किया गया है, लेकिन इसको कुछ अनकंट्रोल्ड फैक्टर से निपटना होगा. बिजनेस में रिस्क जो है वो ज़रूर होता है कि आप जो है नेग्लिजेंस करेंगे, कस्टमर के साथ सही तरीके से पेश नहीं आएंगे, उनके साथ सही डील नहीं करेंगे, अपने बिजनेस को प्रॉपर मेंटेन नहीं करेंगे, अपनी चीज़ों की प्रॉपर मेंटेन नहीं करेंगे अपनी टीम की, तो वो बिजनेस रन नहीं होगा. इससे क्या है कि रिस्क होगा, आपको लॉस होगा. तो इस रिस्क से बचने के लिए, उस लॉस से बचने के लिए जो उसको रन करने वाला ऑनर जो है वो मुतात रहता है और प्रॉपर उसको लुक आफ्टर करता रहता है. इस तरीके से बिजनेस सक्सेसफुल होगा, इसे हम एलिमेंट ऑफ रिस्क कहते हैं. मैनेजमेंट. मैनेजमेंट का भी बिजनेस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस में अपना एक बहुत बड़ा अहम फैक्टर है. मैनेजमेंट क्या होता है कि मैनेजमेंट इज द बेक बोन ऑफ अ बिजनेस. एवरी बिजनेस इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज एंड नेचर हैज़ मैनेजमेंट टू मैनेज एंड कंट्रोल द वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. द कंसेप्ट एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डायग्राम. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी बिजनेस का. यानी अगर आप कारोबार करना चाहते हैं और आपकी जो मैनेजमेंट है वो स्ट्रांग होगी तो आपका कारोबार ग्रो करेगा, लेकिन अगर आपकी मैनेजमेंट वीक होगी तो आपका कारोबार जो है वो दिन ब दिन कम होता जाएगा.
इसलिए ये जो मैनेजमेंट है इसको बैकबोन कहते हैं किसी भी बिजनेस का। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बड़ी कंपनीज की बात करें तो हमारे पास तीन तरह के मैनेजर्स होते हैं। उनके लेवल, हमारे पास टॉप लेवल मैनेजमेंट भी होती है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट भी होती है और लोअर लेवल मैनेजमेंट भी। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर आप शॉपकीपर की बात करें तो शॉप में एक ही पर्सन होता है जिसकी शॉप होती है, वो ही सारा कुछ मैनेज करता है, वही अपने कस्टमर्स को मैनेज करता है, वो जब चीज़ें परचेज करता है तो खुद ही जाके इसको परचेज करना होता है। तो ये सारे जितने भी मैटर होते हैं शॉप के रिलेटेड, वो सारे के सारे एक सिंगल जो ऑनर होता है शॉप का, वो ही मैनेज करता है, तो उसको हम मैनेजमेंट कहते हैं। 5 पॉइंट है कैपिटल। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास कैपिटल को होना जरूरी है। कैपिटल इज अ बेसिक एंड एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। नो पर्सन कैन इवन इमेजिन कैरिंग ऑन बिजनेस विदाउट कैपिटल। इन केस ऑफ शॉर्टेज ऑफ फंड्स द ऑनर्स मे ऑब्टेन लोन फ्रॉम देयर फ्रेंड्स रिलेटिव्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कैपिटल हर बिजनेस का एक बुनियादी और लाजमी हिस्सा है। कोई शख्स कैपिटल के बगैर अपना बिजनेस जो है स्टार्ट करने का सोच भी नहीं सकता। फंड्स की कमी की सूरत में ऑनर अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, मतलब के जो मालियाती इदारे हैं उनसे लोन हासिल करता है। फॉर एग्जांपल एक गारमेंट्स की फैक्ट्री है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो हमें कुछ मशीनरी की भी ज़रूरत होगी, फर्नीचर भी चाहिए होगा, बिल्डिंग भी चाहिए और हमें कुछ कैश की सूरत में भी चाहिए। तो ऑनर जो है वो लोन लेके अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट करता है। नंबर 6 पॉइंट है हमारे पास एम्प्लॉयमेंट। अ बिजनेस इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड द मींस ऑफ लिविंग होल्डर टू द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। दस अ बिजनेस इज नॉट ओनली अ गुड सोर्स ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर इट्स ऑनर्स बट ऑल्सो ऑफर्स वेराइटी ऑफ जॉब्स टू अदर पीपल लाइक एजेंट्स, ट्रांसपोर्ट्स एंड बैंकर्स इटीसी। एक ऐसा बिजनेस जो एक अच्छी एम्प्लॉयमेंट दूसरे लोगों को और जो लोग कर रहे हैं उनको मिल रही है, तो वो बिजनेस रन होगा। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं उससे आपकी घर की जरूरत नहीं पूरी होनी, तो आपके गोल्स और ऑब्जेक्टिव जो है कि आप रन करें प्रॉफिट और उससे अपने बिजनेस को एक्सपेंड करें, वो अगर आपका मोटिव पूरा नहीं हो रहा तो वो आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं कर रहा। एम्प्लॉयमेंट ही बिजनेस प्रोवाइड करता है। अगर एम्प्लॉयमेंट अपने आप को प्रोवाइड करता है, इसके बाद अगर काम ज़्यादा हो जाए तो वो दूसरे लोगों को हायर करता है, सर्विस उनकी लेता है तो उसके बदले में उनको सैलरी देता है, तो वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। एक अच्छा बिजनेस जो होता है कंपल्सरी है जो बनाने वाला है उसको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे और उसको इतना एक कंपनसेट करे कि वो अपनी जरूरियात जिंदगी को पूरा कर सके, तो जो उनके साथ अटैच होंगे तो वो सबको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा और जितनी भी प्रोवाइड करती है ऑर्गेनाइजेशन उतना ही वो बिजनेस अच्छा रन करता है। 7 पॉइंट हमारे पास रेगुलर ट्रांजेक्शन। अ बिजनेस इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ डीलिंग्स। अ सिंगल ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी कॉल्ड बिजनेस। फॉर इंस्टेंस इफ अ स्टूडेंट सेल्स हिज बुक टू शॉपकीपर और टू अ स्टूडेंट इट इज़ नॉट अ बिजनेस। ऑन द अदर हैंड इफ द रेगुलरली परचेजेज एंड सेल्स बुक्स इन हिज स्पेयर टाइम देन इट विल बी कंसिडर्ड एज हिज बिजनेस। रेगुलर ट्रांजेक्शन क्या होता है? बकायदा लेन देन। एक कारोबार में सौदेबाजी का एक सिलसिला शामिल होता है। एक लेन देन को कारोबार हम नहीं कह सकते। फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट अपनी बुक्स दुकानदार का स्टूडेंट को फरोख्त करता है तो ये बिजनेस नहीं होगा। दूसरी तरफ अगर वो अपने फारिग वक्त में बाकायदगी से किताबें खरीदता है और फरोख्त करता है तो फिर इसे अपना बिजनेस समझा जाएगा, इसे हम बिजनेस कहेंगे। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी इज एन इकोनॉमिक टर्म इन रेफर्स टू दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिएशन कॉमोडिटी विच कैन सेटिस्फाई एनी ह्यूमन नीड एंड वॉन्ट। अ बिजनेस क्रिएट्स यूटिलिटी इन डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज विच डिलीवर सेटिस्फैक्शन टू एंटायर सोसाइटी। ऐसे चीज़ पैदा करें जिससे यूटिलाइजेशन हो, जिसका यूज़ हो, यानी कोई बिजनेस एस्टेब्लिश करते हैं कोई उससे फ़ायदा नहीं उठा सकता तो वो बिजनेस रन नहीं होगा। एक ऐसा बिजनेस एस्टेब्लिश किया जाए जहाँ से ज़्यादातर लोगों को फ़ायदा हो सके तो वो बिजनेस हमेशा रन करेगा। एक फॉर एग्जांपल एक गांव से इसमें कोई शॉप नहीं है, एक गांव है उसमें कोई शॉप नहीं है तो इस भी वहाँ पे कोई भी बिजनेस नहीं है। अगर वहाँ पे कोई शॉपकीपर शॉप बनाता है तो उससे पॉपुलेशन जो मैक्सिमम है वो अपनी जरूरियात जिंदगी खरीदते हैं, फ़ायदा उठाते हैं, यानी कि वो यूटिलिटी क्रिएट कर रहा है।
अब वो ही शॉप एक ऐसी जगह पे बना दी जाए जहाँ पे पॉपुलेशन नहीं है, जहाँ पॉपुलेशन दूर है तो इससे यूटिलिटी पैदा नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें रखेंगे तो लोग इस्तेमाल करने वाले नहीं है। अगर कोई इस्तेमाल करने के लिए आएगा तो उसको कॉस्ट उसकी बहुत ज़्यादा बियर करने पड़ेगी, तो वहाँ से आए के ठीक है, तो वहां से आके उसको चीजें लेना महंगी पड़ जाएंगी, तो वो यूटिलाइजेशन नहीं बल्कि दूसरों के लिए लॉस का सबब बनेगा। ट्रांजेक्शन फॉर अ प्राइस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस में एक ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रांजेक्शन फॉर अ प्राइस। इन बिजनेस गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड और एक्सचेंज फॉर सम कंसिडरेशन। If there is no sale transfer or exchange for price, it will not be a business activity. For instance, cooking food for a personal consumption does not constitute business, but cooking food and selling it to others for a price becomes business. ट्रांजेक्शन फॉर अ प्राइस, कीमत के लिए ट्रांजेक्शन की लेन देन। अब इसका क्या मतलब होता है कि बिजनेस में गुड्स एंड सर्विसेज को कुछ ख्यालात के लिए प्रोड्यूस या तैयार किया जाता है, अगर फरोख तबादला या कीमत का तबादला नहीं होता तो ये कारोबारी सरगर्मी नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, ज़्यादा इस्तेमाल करके खाना पकाना कारोबार नहीं होता, लेकिन खाना पकाना और इसे दूसरों की कीमत पर सेल करना कारोबार बन जाता है। 10th पॉइंट है हमारे पास सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर क्या होता है कि बिजनेस डज नॉट ओनली सेटिस्फाई द प्रोड्यूसर बट ऑल्सो द कंज्यूमर व्हेन प्रोडक्ट्स आर ऑफर्ड फॉर सेल एट लो प्राइसेस इन मार्केट। ख्यालात का तबादला, सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर क्या होता है कि जो चीज़ें मार्केट में शॉर्टेज हो जाती हैं, अवेलेबल नहीं है, दुकानदार जो है जो है बिजनेस में जो है वो महंगे सेल करता है, और जब चीज़ें आ जाती हैं तो लोग उसे बाय नहीं करते, जब मजबूरी थी तो उसने लोगों को नुकसान पहुंचाया। ये ज़्यादा तो एक जगह पे कि शॉर्ट भी है, तो दूसरा जो शॉपकीपर है वो क्या करता है, वो उसी रेट को मेंटेन रखता है, तो माशरे में लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता, उनको फ़ायदा पहुंचाने की हमेशा कोशिश करता है। इस तरह का जो बिजनेसमैन जो है वो ज़्यादा सक्सेसफुल होता है, लोग उसको पसंद करते हैं, उसको लाइक करते हैं, और इससे जो ट्रेडिंग है उससे जो लोग सेल एंड परचेज करना पसंद करते हैं। नेक्स्ट 11th पॉइंट है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, ख्यालात का तबादला। The experts of different departments exchange their view for the smooth working and promotion of business. Sometimes the trades and customers also share their ideas for the growth of business. Different department के expert business को हमवार और फ़रोग देने के लिए अपने ख्यालात का तबादला करते हैं। बाज़ औक़ात ताजर और सार्फीन भी बिजनेस में इजाफे के लिए अपने ख्यालात या बांटते हैं, इसे हम एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ कहते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारे पास कल्चर। दी कल्चर एंड सिविलाइजेशन कैन नॉट बी इग्नोर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिकॉज आ कस्टमर ऑलवेज कंसीडर्स हिज कल्चर एंड सोशल वैल्यूज इन बिजनेस डीलिंग्स। कल्चर कल्चर क्या होती है कि हमारी सकाफत होती है, सामान और खिदमात की तैयारी के अमल के दौरान सकाफत और तहजीब को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक कस्टमर हमेशा कारोबारी मामलों में अपने सकाफती और माशरती किरदार पर गौर करता है। यह था हमारा आज का टॉपिक के करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस क्या होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड फॉलो माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।